फ्रिक्स, स्वागत है आप लोग हमारे चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, पता है, स्पाइडरमैन के बारे में। लेकिन कोई ऐसे वैसे स्पाइडरमैन नहीं, बल्कि सबसे ताकतवर कॉस्मिक स्पाइडरमैन के बारे में। एक ऐसा स्पाइडरमैन जिसके सामने बड़े बड़े कैरेक्टर्स के छक्के छूट जाते हैं, क्योंकि उसके पास यूनिवर्स की सबसे पावरफुल एनर्जी है। और वो सिर्फ स्पाइडरमैन ही नहीं बल्कि कैप्टन यूनिवर्स भी है। सो ज्यादा ना पका के बिना किसी की चाह हट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब देखो यार, स्पाइडरमैन एक्चुअली एक से ज्यादा बार कैप्टन यूनिवर्स बन चुका है, खास करके मेन यूनिवर्स में। अब कैप्टन यूनिवर्स असल में यूनिवर्स की सबसे पावरफुल एनर्जीज में से एक यूनिपावर की एम्बॉडीमेंट है। यानी कैप्टन यूनिवर्स यूनिपावर की शारीरिक रूप है, जिसकी ताकत बेसुमार है। और ये ताकत जिसके पास होती है उसे शायद ही कोई यूनिवर्सल बींग हरा पाता है। और एक्चुअली कैप्टन यूनिवर्स अपने होस्ट के रूप में जिसको चूज करता है, सिर्फ उसे ये ताकत मिलती है। मगर सिर्फ और सिर्फ बहुत बड़ा खतरा आने या बहुत बड़ी कोई जरूरत पड़ने पे ही कैप्टन यूनिवर्स प्रकट होते हैं और किसी को अपना होस्ट बना के यूनिपावर देते हैं। और सिर्फ उसी को चूज करते हैं जो इस पावर को पाने की और संभालने के काबिल है, जिसके बाद उसका काम इस यूनिवर्सल बैलेंस को प्रोटेक्ट करना है। अब एक्चुअली स्पाइडरमैन के मामले में हुआ यह था कि एक्ट ऑफ वेंजेंस की स्टोरी लाइन में लोकी ने डॉक्टर डूम से लेकर मैंडेरियन रेड स्कल तक कई सारे सुपर विलियंस को एकजुट करके एक टीम फॉर्म किया था हीरोज को हराने के लिए। अब हालांकि ये सारे सुपर विलियंस मिलकर हीरोज के ऊपर बहुत बहुत भारी पड़ गए थे, मगर लकीली कुछ समय में ही सारे सुपर विलियंस खुद ही अपने आप में झगड़ने लगे थे और उनकी आपस में ज्यादा बन नहीं रही थी। और यही चीज हीरोज के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन गई थी और सुपर विलियंस हार गए थे। लेकिन 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 जाते जाते इस हार का बदला लेने के लिए लोकी ने अपने मैजिक से तीन खतरनाक सेंटिनल्स को मार्च करके उसे ट्राई सेंटिनल बना के धरती पे छोड़ गया था, एंड ऑब्वियसली डिस्ट्रक्शन फैलाने के लिए। अब जिन लोगों को नहीं पता, बता दूं कि सेंटिनल्स बहुत ही ताकतवर और खतरनाक बींग्स होते हैं, और ट्राई सेंटिनल तो और भी ज्यादा खतरनाक होता है, जिस कारण से इसे रोकना नियर टू इम्पॉसिबल हो गया था। और स्पाइडरमैन तो उसके सामने बस एक कीड़ा था। मगर लकीली तभी अचानक से एक चमत्कार हुआ। स्पाइडरमैन के सामने कैप्टन यूनिवर्स टपक पड़ा, जो अपने यूनिपावर के साथ यहाँ पे आया था दुनिया को ट्राइसेंटिनल के हाथों से बचाने के लिए। और इस ग्लोरियस काम के लिए उसने चुना था हमारे स्पाइडरमैन को। और फिर क्या, स्पाइडरमैन बन गया था यूनिपावर के साथ द कॉस्मिक स्पाइडरमैन, एके कैप्टन यूनिवर्स। एंड देन इसके बाद कैप्टन यूनिवर्स बन चुके स्पाइडरमैन, जो कि एक्चुअली अभी कॉस्मिक स्पाइडरमैन था, उसने बस चुटकी में ही उस ट्राइसेंटिनल को पीट दिया था। अब क्योंकि स्पाइडरमैन यूनिपावर के लिए ओरदी था और कैप्टन यूनिवर्स का परफेक्ट होस्ट भी, इसलिए यूनिपावर स्पाइडरमैन के पास ही रहता था। मगर एक्चुअली स्पाइडरमैन को यूनिपावर गिव अप कर देना और दोबारा नॉर्मल स्पाइडरमैन बनना ज्यादा सही लगा था, और इसीलिए उसने यही किया था। भाई मुझे मिलता तो मैं कभी नहीं देता। जो भी, इसके बाद द स्पेक्टुलर स्पाइडरमैन के इशू 158 में स्पाइडी को दोबारा यूनिपावर मिला था, मगर एक्चुअली तब उसे एक्चुअली पता नहीं था कि उसे यूनिपावर मिला है। क्योंकि हुआ ये था कि जब एम्पायर यूनिवर्सिटी में पीटर पार्कर प्रोफेसर को एक एक्सपेरिमेंट में मदद कर रहा था, तब एक मशीन को ओवरलोड होकर एक्सप्लोड हुई एक एक्सीडेंट से पीटर पार्कर के बॉडी में एक अननोन मगर बहुत ही पावरफुल एनर्जी घुस गई थी, जो कि एक्चुअली यूनिपावर थी। अब हालांकि प्रोफेसर को बचाते वक्त उसके बॉडी में यूनिपावर घुस तो गई थी, मगर एक्चुअली उसके बॉडी में कैप्टन यूनिवर्स की कॉन्शियसनेस नहीं गई थी। और इसी कारण उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अचानक से इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया था। वो लिटरली अपने उंगलियों से कॉस्मिक लेजर फायर कर रहा था। मार्वल के सबसे पावरफुल एंड्रॉयड ड्रैगन मैन को उसने बस चुटकी में ही बीट कर दिया था, और तो और उसने बस एक ही पंच से हल्क को स्पेस में भेज दिया था, और फिर खुद उड़ के स्पेस में जाके हल्क को वापस भी ले आया था। और लिटरली तो उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे वो मर भी नहीं सकता। मगर अफसोस कि जब कोई चीज आती है तब वो जाती भी है। एंड फिर क्या, जिसके बाद स्पाइडी दोबारा नॉर्मल स्पाइडरमैन बन गया था। मगर ये तो रही मेन यूनिवर्स की टेम्पररी इवेंट, जहाँ स्पाइडरमैन टेम्पररी कैप्टन यूनिवर्स बना था, यानी कॉस्मिक स्पाइडरमैन। लेकिन अगर सचमुच के कॉस्मिक स्पाइडरमैन के नाम से अगर हम लोग किसी को जानते हैं, तो वो है अर्थ 13 का कॉस्मिक स्पाइडरमैन, जिसे हम लोग अच्छे से स्पाइडरवर्स के इवेंट में देखे थे, और सारे स्पाइडरमैन उसे सबसे पावरफुल स्पाइडरमैन मानते थे। एक्चुअली अर्थ 13 का ये स्पाइडरमैन एक ऐसा स्पाइडरमैन था जो कैप्टन यूनिवर्स एक कॉस्मिक स्पाइडरमैन बनने के बाद यूनिपावर को कभी गिव अप नहीं किया था, यानी छोड़ा नहीं था, बल्कि यूनिवर्स की इस बेसुमार पावर को अपना लिया था। और एक्चुअली ये स्पाइडरमैन हमारे मेन स्पाइडरमैन की तुलना में ज्यादा बड़ा और एक्सपीरियंस था, और इतना पावरफुल था कि जब मॉर्लून्स अपने दल के साथ अलग अलग यूनिवर्स में जाके दूसरे स्पाइडरमैन को कंज्यूम करके मार रहा था, तब बाकी सारे बचे कुछ स्पाइडरमैन जो टीम अप कर चुके थे वो यहाँ अर्थ 13 में बेस बना के छुपे हुए थे, क्योंकि यह कॉस्मिक स्पाइडरमैन है जो मॉर्लून से उनको बचाने की ताकत रखता है। और इसीलिए मेन स्पाइडी की टीम से लेकर सुपर स्पाइडरमैन की टीम तक सभी अपने मिशंस को कंप्लीट करके यही वापस आते थे। लेकिन अब आप पूछोगे कि अगर कॉस्मिक स्पाइडरमैन इतने ज्यादा पावरफुल है तो खुद दूसरे यूनिवर्स में जाके मॉर्लून को खत्म क्यों नहीं कर देता? एक्चुअली नहीं कर सकता, क्योंकि यूनिपावर सबसे ताकतवर यूनिवर्सल एनर्जी तो है, लेकिन सिर्फ
अपने यूनिवर्स में। यूनिपॉड एक यूनिवर्स की क्रिएशन और लाइट एनर्जी है जो दूसरे यूनिवर्स में किसी काम की नहीं। मतलब साफ है कि अगर कॉस्मिक स्पाइडरमैन दूसरे यूनिवर्स में जाएगा तो वहाँ इस यूनिवर्स की यूनिपॉड नहीं जाएगी और वो बस एक आम स्पाइडरमैन होगा, मगर उसके खुद के यूनिवर्स में उससे बड़ा बाप कोई नहीं। लेकिन अफसोस, एक्चुअल में आगे जाके उसके यूनिवर्स में घुस के उसे मार डाला गया था। जी हाँ, कॉस्मिक स्पाइडरमैन को मौत के घाट उतार दिया गया था उसके यूनिवर्स में। एक्चुअली कॉस्मिक स्पाइडरमैन को मारने के लिए खुद मॉर्लून का बाप सोलस आया था, जिसके ऊपर कॉस्मिक स्पाइडरमैन की हर एक वार बेकार थी और सोलस की ताकत के सामने कॉस्मिक स्पाइडरमैन टिक भी नहीं पा रहा था, जो देख के सभी किया कॉस्मिक स्पाइडरमैन खुद भी हैरान हो गया था कि वो सबसे पावरफुल है इस यूनिवर्स में, तो ये सब कैसे हो रहा है। लेकिन एक्चुअली बात ये थी कि कॉस्मिक स्पाइडरमैन के पास यूनिवर्स का सबसे ताकतवर पावर तो है, मगर सोलस सिर्फ यूनिवर्स का नहीं बल्कि मल्टीवर्सल पावर्स को रखने वाला एक ऐसा राक्षस था जिसके सामने यूनिवर्स क्या मल्टीवर्स के बड़े बड़े गॉड्स भी झुक जाते थे, और इसलिए कॉस्मिक स्पाइडरमैन को हराना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। मगर फिर भी कॉस्मिक स्पाइडरमैन ने आखिर तक कड़ी टक्कर दी थी और बेरहमी की मौत मारा गया था, जिस हादसे ने बाकी सारे स्पाइडरमैन की हिम्मत और उम्मीद को लिटरली हिला दिया था और वो सभी वहाँ से भागने लगे थे। वैसे इसके अलावा भी एक और स्पाइडरमैन का वर्जन है जिसके पास यूनिपॉड्स थी, और वो था अर्थ 9110 का कॉस्मिक स्पाइडरमैन डॉक्टर डूम, जिससे यूनिपॉड को छीनना चाहता था। और फाइनली इस यूनिवर्स के कॉस्मिक स्पाइडरमैन एब्जॉर्बेस्कन नामक एक डिवाइस के जरिए अपने बॉडी के अंदर से सारी की सारी एनिग्मा फोर्स यानी यूनिपॉड को निकाल के पूरे यूनिवर्स में वापस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, मगर इसकी एक बड़ी कीमत भी उसे चुकाने पड़ी थी, क्योंकि इसमें यूनिपॉड के साथ साथ स्पाइडर पावर्स भी चले गए थे और वो दोबारा एक आम इंसान पीटर पार्कर बन गया था। लेकिन आखिर में एक ट्विस्ट तब आया जब उसकी और मैरी जेन की बेटी का जन्म हुआ और तब पता चला कि उसकी बेटी उसी यूनिपॉड को अपनी खून में लेकर जन्मी है। और अब अगर पावर्स की बात करें तो लिटरली जिसके पास एनिग्मा फोर्स यानी यूनिपॉड है वो यूनिवर्स का सबसे ताकतवर बींग्स में से एक है, जिसके पास मैटर्स को मैनिपुलेट करने से लेके एक पता नहीं क्या क्या ताकत है, चाहे वो एटॉमिक लेवल पे हो या कॉस्मिक लेवल पे। उसके पास सुपर स्ट्रेंथ है, फ्लाइट है, कॉस्मिक एनर्जीज है। वो इतना स्ट्रांग बन गया था कि उसने बस एक पंच मार के ग्रे हल्क को स्पेस में भेज दिया था और फिर दया दिखा के उड़ के जाके उसे स्पेस से वापस भी ले आया था। वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है, वो किसी भी चीज में बदल सकता है, क्योंकि उसके पास मैटर को कंट्रोल करने की ताकत है। साथ ही में यूनिवर्स के चारों फंडामेंटल फोर्सेस को कंट्रोल कर सकता है, किसी भी तरीके के एनर्जी या रेडिएशन को अपने अंदर से डिस्चार्ज कर सकता है, अपने हाथों से कोई भी तरीके का एनर्जी बीम या ब्लास्ट मार सकता है जो इतना पावरफुल है कि वो अपने वार से एक पूरे प्लैनेट को उड़ा सकता है, और उसकी खुद की ड्यूरेबिलिटी तो इतनी है कि उस पे खरोंच लाना भी बहुत मुश्किल है। गैलेक्टस भी उसके सामने लाचार लगता है क्योंकि वो लिटरली एक गॉड लाइक बीइंग है और पता नहीं बॉडी के कहां कहां से क्या क्या बीम छोड़ सकता है। मगर आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और मजेदार कंटेंट के साथ, और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, अपना फैमिली का ख्याल रखिए, दूसरों के काम में मदद कीजिए, बिकॉज यू आर फ्रीकिंग सुपर हीरो।